सो हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनम। तो आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाली है, मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, कहीं कोई ऐसी वीडियो आपको नज़र नहीं आने वाली है। मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ जो कि मुझे भी अच्छी लगी है, जो मैंने अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई की है, अपने ऊपर अप्लाई की है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। जो कि मेरा मतलब मेरे को लगता है कि जब मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे आपके साथ खुद ही शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थिंग जो है शेयर करने वाली हूँ, वो है शहद। शहद आपकी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, शहद से ना किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो इजीली शहद ले सकता है और आप अपने बच्चे को भी शहद दे सकते हैं। देखिए, कई लोग ना सोचते हैं कि बच्चों के लिए शहद बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा रिस्की होता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस कंडीशन में रिस्की होता है। देखिए, एक तो ये होता है कि बच्चे को एक साल तक शहद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बच्चे को एक साल तक उसका डाइजेशन सिस्टम अपने आप ही मतलब इम्प्रूव होने दीजिए, उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करिए। तो उसके बाद आप अगर बच्चे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बच्चे को शहद दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इसकी एक पहली इंपॉर्टेंस मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन ए और विटामिन बी दोनों ही शहद के अंदर होते हैं और इसको अलग अलग तरीके से देने से खाली शहद नहीं, किस किस चीज़ में मिक्स करने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि आधी वीडियो में कई लोग जजमेंट करने लग जाते हैं, ये क्या बता दिया, या आधी वीडियो देखकर लोग जो है ना यूज़ करने लग जाते हैं, अप्लाई करने लग जाते हैं अपने ऊपर। तो प्लीज़ देखना, क्योंकि मैं आगे ये भी बताऊँगी कि किस कंडीशन में आपको शहद यूज़ नहीं करना है और क्या क्या इसके कारण है, सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट। नंबर वन, तो मैं आपको ये बता दी थी कि शहद के अंदर विटामिन ए और बी दोनों ही होते हैं। अगर आप बच्चे को शहद जो है दूध, दही, केला, दलिया इन चीज़ों में मिक्स करके देंगे ना, तो बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। पहली बात ये है कि बच्चे को एक साल तक शहद आपको बिल्कुल नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चे को ना मतलब माओ को हमेशा एक यही चीज़ रहती है कि बच्चा हमारा ढंग से सोता नहीं है। अगर आपका बच्चा ढंग से नहीं सोता है और रात को ना आप एक बार उसको हल्का सा शहद देके सुला के देखिए, वो बहुत आराम से सोएगा। क्योंकि बच्चे को ना कई बार गले में, जैसे बच्चा चिल्लाता है, रोता है, तो गले में थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है, तो बच्चा आराम से रात को नहीं सो पाता है। तो आप उसको शहद चटा के थोड़ा सा शहद देकर सुलाइए, एक साल से ऊपर के बच्चे को शहद देकर सुलाइए, वो आराम से सोएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नंबर थ्री, कि अगर आपके बच्चे के मुंह के अंदर कुछ छाले हो जाते हैं मुंह में, तो हम एकदम ना डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाई देते हैं, तो आप जो है ना शहद को, शहद के अंदर ज़रा सा अदरक, ज़रा सा नींबू बच्चे को दीजिए थोड़ा सा उसको, तो उसके मुंह के छाले एकदम ठीक हो जाएंगे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा, रेडनेस भी नहीं होगी मुंह में, और काफ़ी उसको रिलीफ। नेक्स्ट थिंग, अगर आपके बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और रात को वो उठ गया और आपके पास कोई टैबलेट भी नहीं पड़ी है, आपके पास कोई सिरप भी नहीं पड़ा है बच्चे के लिए, तो आप ज़रा सी शहद में बच्चे को अदरक मिक्स करके दीजिए, उसका पेट का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा और वह आराम से सो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि शहद किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए और अगर क्या भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर बच्चे में दिख रही है तो आप उसको नहीं देखें। देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा अगर गर्मी है तो शहद बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ले सकते हैं, कई लोग गर्म पानी में शहद लेते हैं पतले होने के लिए लेते हैं या जो भी कुछ है, तो उनका मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं केवल बच्चों के बारे में बता रही हूँ कि बच्चों को अगर आप देंगे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, गर्म दूध में, गर्म पानी में शहद बच्चे को गर्मी में मत दीजिए, तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर टू, कि अगर आप बच्चे को कभी भी शहद देंगे तो घी में मिक्स करके कभी नहीं देना है आपको। घी में मिक्स करने का मतलब यह है कि जो शहद और घी अगर मिक्स हो गया है तो वो एक विष बन जाता है, विष यानी कि जहर बन जाता है। ये कहावत है कि अगर आप बच्चे को मतलब वो इतना इतना ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है कि मतलब विष का मतलब, जहर का मतलब कि आप अपने बच्चे को जहर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया है। तो आप बच्चे को कभी भी घी में शहद मिक्स करके बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो कि आप लोग नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर देना, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, कमेंट कर देना। तो मुझे कुछ भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा टिप मेरा आपके काम आया है और आपको कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, जो आपका मन करे आप वो कर सकते हो। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। बाय।